ये कि इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय कांति बम जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, नामांकन वापस लेकर कलेक्टर कार्यालय से रवाना हुए। रमेश मंडोला के साथ पहुंचे थे अक्षय कांति बम। कलेक्टर कार्यालय बीजेपी में जाने की तैयारी में है अब अक्षय कांति बम। विजय वर्गीय ने अक्षय कांति के साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। अक्षय कांति का बीजेपी में स्वागत है। कैलाश विजय वर्गीय ने यह भी कहा, इंदौर से बीजेपी आज से शंकर लालवानी उम्मीदवार है, तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये। कैलाश विजयवर्गीय ने अक्षय कांति बम के साथ सेल्फी भी शेयर की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा है, इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा नेतृत्व में बीजेपी में स्वागत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है और समीर खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतांशी, एक और झटका कांग्रेस के लिए, यानी कि कहा जा सकता है कि सूरत के बाद इंदौर में भी लगभग वही तस्वीर दोहराई जा रही है। देखिए, जो पिछले दिनों ज्वाइनिंग हुई है ज्योति, तमाम बड़े नेता भले ही आकर बीजेपी में शामिल हुए हों, वो बीजेपी के एक अभियान के तौर पर गिना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने एक सेंध लगाई है, और सेंध भी कहा जो कि कांग्रेस के पीसीसी चीफ का घर है, पीसीसी चीफ का खुद का घर है, जहां पर सबसे ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, यहां पर सीधे बीजेपी ने कांग्रेस से उनका प्रत्याशी ही ले लिया। आप सोचिए कि अब कांग्रेस के पास वहां पर कोई चेहरा बचा नहीं है, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी जो है कर सकते थे, किसी को भनक तक नहीं पड़नी थी। अंदर ही अंदर जो है बड़े नेताओं ने यहां पर जो है कितनी बड़ी रणनीति बनाई होगी। आप सोचिए ये जरा कि अक्षय कांति बम सीधा कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदुला के साथ जो है वो सेल्फी उनकी अपलोड होती है और यहां पर सीधा वो नामांकन जो है वापस लेने के लिए कलेक्ट्रेट में चले जाते हैं। क्या उनका किसी कांग्रेस नेता से संपर्क नहीं हुआ? क्या कोई नाराजगी थी अक्षय कांति बम की? अगर नाराजगी भी थी तो कांग्रेस के नेता अपने नेताओं को रोकने में या फिर उनको मनाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इसके लिए एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है और यहां पर जवाब शायद पीसीसी चीफ से लेकर शायद किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि लगातार नेता तो कांग्रेस छोड़ ही रहे थे, लेकिन अब आपके प्रत्याशी भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आपके प्रत्याशी खुद अपनी जो है बात पर टिके नहीं हुए हैं, पार्टी ने उनको चुना है। आप सोचिए कि कितनी एक टिकट को लेकर लड़ाई होती है, सभी नेता लगे रहते हैं, जमीनी नेता लगे रहते हैं, लेकिन जिसको टिकट दिया जाता है वो अचानक से दूसरी जो सत्ताधारी दल है उसमें जाकर शामिल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांग्रेस को झटका दिया है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अक्षय कांति बम की जब से टिकट अनाउंस हुआ है तब से यही रणनीति थी, या फिर बीच में कोई ऐसी स्थिति बनी है जिसके कारण वो बीजेपी में आकर शामिल हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी तो पूरी तरह से कोशिश करती ही है कि वो किसी ना किसी तरीके से नेताओं को अपने जो है बस में करे, अपने जो है अपनी पार्टी में ले, लेकिन उनके पीछे की वजह क्या रहती है ये फिलहाल अभी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा जो अक्षय कांति बम का स्टेटमेंट आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। तारीख जो नामांकन भरने की थी वो पहले ही निकल चुकी है। कांग्रेस को अपने कैंडिडेट पर भरोसा था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने किसी को बी फॉर्म दिया भी नहीं होगा, किसी ने बी फॉर्म भरा भी नहीं होगा, और बी फॉर्म नहीं भरा होगा तो कांग्रेस के पास अब इंदौर जैसी सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट में कोई कैंडिडेट बचा ही नहीं है। यहां पर बीजेपी को एक पक्का वॉकओवर मिल गया। इसके पहले 11 फॉर्म रिजेक्ट किए जा चुके हैं, बाकी और 20 लोग मैदान में हैं जो कि किसी बड़े दल से नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल यहां पर पैदा होता है कि ऐसी क्या स्थिति बनी, या फिर अक्षय कांति बम के दिमाग में ऐसा क्या आया, या फिर उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने सीधा कांग्रेस को दरकिनार कर दिया और बिल्कुल जो सबसे महत्वपूर्ण तिथि थी उस दिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और कहीं ना कहीं इससे जो है कांग्रेस को झटका इंदौर में तो लगा ही है, लेकिन इसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और अभी हाल ही में जिस तरीके से गुजरात के सूरत काफी चर्चा में रहा था, जहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत इसी तरीके से निर्विरोध हुई थी, इसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे। समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, जिस तरीके से अभी अमृतांशी कह रही थी कि बहुत भरोसा अपने कैंडिडेट पर था और हो सकता है इसीलिए किसी ने बी फॉर्म भरा भी नहीं हो, लेकिन इस तरीके से भरोसा तोड़ना सालों का, एन नामांकन वाले दिन जो बिल्कुल ऐसा बहुत अहम दिन है, उस दिन आप पार्टी को इस तरीके से दरकिनार कर बीजेपी में शामिल होना, क्या मायने इसके निकाले जाए?
देखिए, अब ये तो जो है अभी अभी अक्षय कांति बम जो है कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे जो अब भाजपा के हो गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो जो कार्यालय है जावरा कंपाउंड में वहां पहुंच गए हैं। और उनके द्वारा हाल ही में एक लिखित में जो पूरा मीडिया का काम उनका देखते थे सुनील अग्रवाल, उनके द्वारा व्हाट्सएप पर एक मैसेज अभी अभी भेजा गया जो मैंने पढ़ा भी था। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में आ गए हैं और उन्होंने जो फॉर्म वापस लिया है उसकी वजह भी उस मैसेज में बताई गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता हैं चुनाव के दौरान उनसे पैसों की मांग कर रहे थे, मतलब उन्होंने एक बयान अपना जारी कराया, उसमें पैसों की मांग की बात कही कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है कांग्रेस के नेता उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो विधानसभा जहां से वो पहले 4 नंबर से इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से जो टिकट मांग कर चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के, उस टिकट को भी कांग्रेस ने बेच दिया था। हाँ, इस बात से भी वो आहत हुए। हालांकि अभी जब उनसे 1-to-1 बात होगी तब जो है ये सारे सवालों का पर जो है हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये बयान जरूर आया है। आखिर वो ये कहते हुए नजर आ रहा है, मतलब वो जनता के बीच एक बात ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उन्होंने इसलिए जो है अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। तो हम ये कहें कि इंदौर जो मालवा निवार से आता है और यहाँ से जो है कद्दावर नेता भाजपा के कैलाश विजयवर्गीय तो आते ही है, लेकिन अब मोहन यादव भी इंदौर मालवा से आते हैं, मतलब मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी इंदौर हो गया है। उज्जैन इंदौर जो है पास पास ही है, तो मुख्यमंत्री के लिए भी एक बड़ा बड़ी सफलता है और भाजपा के लिए, खासकर भाजपा के नेताओं के लिए, कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार का जो है नॉमिनेशन वापस कराने में जो है कामयाब हुए। हालांकि ये खबरें जरूर आ रही थी, सुबह से हलचल तेज हो गई थी कि अक्षय कांति बम के घर के बाहर जो है पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। कुछ देर पहले वो रमेश बेंदोला के साथ गाड़ी में बैठकर घर से निर्वाचन आयोग की ओर रवाना हुए हैं, चूंकि लेकिन एक भोजशाला विवाद को लेकर जो है तमाम मीडियाकर्मी हाईकोर्ट के बाहर ही जमा थे, लेकिन ये जैसे ही कंफर्म हुआ तभी ने दौड़ जो है निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर लगाई और यहाँ इस बात पर ये कहे कि कंफर्मेशन हो गया कि अक्षय कांति बम ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। और ये कांग्रेस के लिए भी एक जो है ये कहें कि जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा अभी कुछ देर पहले हमारे ही चैनल पर बोल रहे थे कि ये कांग्रेस के लिए जो है सोचने वाली बात है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है जीतू पटवारी, उनका गृह जिला है। कांग्रेस के अध्यक्ष की लोकसभा से अगर कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेता है तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत होगी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में स्थिति क्या है कांग्रेस की, ये सभी समझ रहे हैं और बहुत बखूबी समझ रहे हैं। अमृतांशी, जब पार्टी छोड़कर कोई भी नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, असंतोष की जो भी बातें होती हैं वो कही जाती है कि सुनी नहीं जाती है, जो हम चाहते थे वो नहीं किया जा रहा है, पार्टी की तरफ से कभी मौका नहीं दिया गया, ये सारी तमाम बातें हम अक्सर सुनते हैं जब भी कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है। सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर कांग्रेस क्यों नाकाम हो रही है अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको समझाने में, उनमें भरोसा कायम करने में, क्यों ये नाराजगी बनी हुई है? देखिए ज्योति, फिलहाल अभी हम में से किसी को भी नहीं पता है कि क्या वजह रही कि अक्षय कांति बम ने पार्टी छोड़ दी और वो बीजेपी में आ गए, लेकिन बतौर जनता, क्योंकि हम भी वोट देने जाते हैं, हम जितने दर्शक हैं वो भी वोट देने जाते हैं, ऐसे में नेताओं पर भरोसा करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है अगर एक नजरिए से देखा जाए तो। आप कुछ दिन पहले NDTV के प्लेटफॉर्म पर ही बैठकर कांग्रेस के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और जिस पार्टी में आप जाकर शामिल हो गए हैं उसके खिलाफ भी आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से क्या एक रात में आपका मन बदल गया? अचानक से क्या एक रात में आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आ गई जिससे जिसने आपको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया? तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अक्षय कांति बम पहले से ही इस चीज को सोचकर बैठे थे कि उन्हें अपनी पार्टी, जिसके लिए वो सालों से काम कर रहे हैं, उसको आखिरी दिन पर झटका देना है? उन्होंने कई ऐसे नेता जो कि शायद टिकट की दौड़ में लगे हुए थे उनका भी एक तरीके से जो है भविष्य जो है वो दांव पर लगा दिया, क्योंकि वो नेता भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से उनको टिकट कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करके दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि ये बीजेपी के एक बड़ी जीत है, बीजेपी को एक बहुत बड़ा वॉकओवर यहां पर मिल गया है और ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी शायद पहले से रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सोचना होगा अंदरूनी तौर पर, जो कि आपका सवाल था कि ऐसी क्या स्थिति लगातार बनती जा रही है पार्टी में, जो कि लगातार नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, चाहे आपके वरिष्ठ केंद्र में मंत्री रहे, पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुरेश पचौरी, वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधा पार्टी छोड़ दी, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपके महापौर जो आप सबसे हाई प्रोफाइल सीट के महापौर थे
वहां पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नेता प्रचार पर निकल रहे हैं, पीसीसी चीफ है, तमाम बड़े नेता प्रचार पर निकल रहे हैं, लेकिन क्या अंदरूनी तौर पर, संगठनात्मक तौर पर और जो अंदर संगठन की बुनाई होती है, क्या नेता उसको करने में कमजोर हो रहे हैं? क्योंकि शायद वो कमजोरी कांग्रेस को अब परेशान करने लग जाएगी। भले ही अभी जो न्यू ज्वाइनिंग अभियान बीजेपी का चल रहा था, कांग्रेस को उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिख रहा था, लेकिन अब नेता तो आपके पार्टी छोड़ ही रहे हैं, आपके प्रत्याशी भी पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसे तो देखिए कांग्रेस फिर बचेगी ही नहीं। जहां पर आप सोचिए, अब इंदौर में कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है, सबसे बड़ी सीट है, लेकिन उसमें मुकाबले के लिए बीजेपी के सामने सबसे जो दूसरा बड़ा दल है उसके सामने कोई है ही नहीं, जो कि विपक्ष की तौर पर सबसे बड़ा दल है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखिए चिंता में जरूर डाल देती हैं, और कांग्रेस को ये अंदरूनी तौर पर सोचने की जरूरत होगी। प्रचार पार्टी का अलग जगह पर है, तमाम नेता भले ही जमीनी स्तर पर दिख रहे हों, लेकिन बाहर क्या दिख रहा है और अंदर क्या स्थिति बन रही है, फिलहाल कांग्रेस को इस मंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तमाम जो नेता आए हैं उनको किसी को भी रोकने में कांग्रेस यहाँ पर सफल नहीं हो पाई। अभी रामनिवास रावत की भी देखिए चर्चाएँ थी ही दिग्विजय सिंह के लिए, लेकिन वो प्रचार करने पहुँचे तो वो चर्चाएँ थम गई, लेकिन ये कोई हम कह सकते हैं आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में कुछ और भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो देखिए अपना काम पूरी तरह से कर रही है यहाँ पर 100% के साथ, कि वो कांग्रेस के नेताओं को साध रही है। कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं मना पा रही है, नाराजगी उनकी दूर नहीं कर पा रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और शायद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जो है वो भले ही कहते हो कि कांग्रेस को सारी सीट्स मिल जाएंगी, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए सब समझते हैं कि संगठनात्मक तौर पर, जमीनी तौर पर जब भी कोई नेता या कार्यकर्ता ही जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी नींव होती है, तो उनका जाना वाकई में नुकसानदायक पार्टी के लिए होता है। और वो भले ही देखिए आप इसका असर देखिएगा जो सूरत में देखने को मिला, सूरत का जो स्थिति हुई थी सूरत में, वो पूरे देश के में जो है वो चर्चाओं का विषय बन गई थी। अब ये जो इंदौर में हुआ है ये भी एक बहुत चर्चा का विषय बनने वाला है। कांग्रेस को ये पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचा सकता है और चर्चाओं का विषय ये बनेगा। और अब कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है, ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा है, तो जाहिर सी बात है सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर एक कॉम्पिटेटिव तौर पर कांग्रेस वहां पर खत्म हो चुकी है। अमिताभ जी थोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा। समीर आपके पास लौटते हैं। समीर, जिस तरीके से पार्टी को एक एक करके नेता छोड़कर जा रहे हैं, साफ है कि जो बीजेपी की रणनीति है कांग्रेस को कमजोर करने की, और उन पॉइंट पर खासतौर से जहां पर पार्टी थोड़ी सी मजबूत है कुछ कुछ लोगों को लेकर, उन लोगों को अपने पाले में जिस तरीके से बीजेपी ने खींचा है, साफ है कि जो रणनीति प्लान की गई थी बीजेपी की तरफ से उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब हो रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम ये कहें कि ये कांग्रेस की नाकामी और बीजेपी की सफलता के तौर पर इसे देखा जाएगा, क्योंकि जो चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो है साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जाता है, और भाजपा उन सबका इस्तेमाल करने में कामयाब रही। जैसे कुछ देर पहले अनुराग सर ने नरोत्तम मिश्रा से सवाल करना चाहता कि इंदौर में हाल ही में अक्षय कांति बम का एक सालों पुराना जो मामला है वो मामला सामने आ जाता है, उस मामले में पेशी के दौरान जो है धारा 307 उनके ऊपर लग जाती है और उनकी 10 मई को जो है अगली जो तारीख है वो भी तय हो जाती है। हालांकि ये पूरा की पूरा मामला न्यायालय में, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाक्रम जो है अक्षय कांति बम के लिए जो है हम ये कहें कि चिंता का विषय हो सकता है, और भाजपा की स्ट्रेटजी का ये भी एक हिस्सा हो सकता है कि उन्हें गिरफ्तारी से डराया गया हो, या फिर हम ये कहें कि उन्हें कुछ लालच दिया गया हो, क्योंकि यहाँ पर वो भले एजुकेशनिस्ट है, कई शिक्षण संस्थान वो चलाते हैं और उनके शिक्षण संस्थानों पर भी भाजपा लगातार हमलावर रही है। वहां की कई शिक्षिकाओं द्वारा जो है इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव के दौरान ये कहें कि प्रेस वार्ता की गई थी, तो भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब होती नजर आ रही है और कांग्रेस हम ये कहें कि वो फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ संगठन जो है कांग्रेस का वो अपने नेताओं को रोक नहीं पा रहा है। इतना बड़ा काम अपने घर से निकल के कांग्रेस का उम्मीदवार 11 बजे के आसपास जो है जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पहुंच जाते हैं, अपना नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं, तब भी कांग्रेस के नेताओं नील में सोते रहते हैं, उन्हें खबर तक नहीं लगती। जब मीडिया सक्रिय होती है या कैलाश विजयवर्गीय ट्वीट करके जानकारी देते हैं, तब कांग्रेसियों को इस बात की खबर लगती है कि उनका एक और नेता उनकी पार्टी को छोड़कर चला गया है। या ये कहें कि इंदौर में तो कांग्रेस के प्रत्याशी ही जो है उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो मतलब हम ये कहें कि कांग्रेस की इसमें बड़ी चूक है, कांग्रेस संगठन की बड़ी चूक है, इसलिए जो है हम ये कहें कि कांग्रेस के नेता जो है लगातार भाजपा में शामिल होते जा रहा है। अमृतांश जी, बिल्कुल कानो कान खबर तक नहीं होती है किसी को कांग्रेस नेताओं को। कैलाश विजयवर्गीय बकायदा ट्वीट कर ये जानकारी देते हैं और उनके ट्वीट से ये जानकारी चारों तरफ फैलती है। क्या इसको समझा जाए, क्या भरोसा जो कि तोड़ा गया
वो भरोसा उनका है अपने कैंडिडेट्स पे, लेकिन वो भरोसा वहां की तरफ से नहीं निभाया गया और उस भरोसे के चलते आंख मीच कर कांग्रेस बैठी रही और उनकी नाक के नीचे से उनके कैंडिडेट को निकाल कर ले गए। अब आप दो चीजें समझिए ज्योति, बीजेपी में रोजाना जो प्रत्याशी होते हैं उनका एक प्रचार प्लान तैयार होता है। बीजेपी के संगठन के छोटे से लेकर बड़े नेता तक को मालूम होता है कि उनका प्रत्याशी कहाँ कितने बजे प्रचार करने के लिए पहुंच रहा है और उसके साथ कौन नेता मौजूद रहने वाले हैं। अक्षय कांति बम अपने घर से निकलते हैं, वो कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचकर वो नामांकन वापस ले लेते हैं, लेकिन किसी कांग्रेस के नेता को खबर तक नहीं होती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि क्या अक्षय कांति बम के साथ कोई नेताओं का जखीरा नहीं था या फिर उनका नेताओं से संपर्क नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत भी भनक किसी को नहीं लग पाई। हालांकि देखिए बीजेपी बहुत माहिर है इस चीज में, ऑपरेशन लोटस से लेकर सभी चीजों में बीजेपी बहुत माहिर है। वो भनक तक नहीं लगने देती कि आगे वो करने क्या वाले हैं, अपने पत्ते बीजेपी कभी नहीं खोलती। लेकिन क्या अक्षय कांति बम बिल्कुल भी नेताओं के साथ संपर्क में नहीं थे? देखिए अभी तक राष्ट्रीय नेताओं का किसी का भी दौरा नहीं हुआ है इंदौर में, और शायद ये भी उनकी मतलब ये बहुत पहले बताया जा रहा था कि अक्षय कांति बम चाहते थे कि बड़े नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार के लिए इंदौर आए, लेकिन वो नहीं आए। शायद उनकी ये भी नाराजगी हो सकती थी, कई चीजों को लेकर देखिए नाराजगी भी हो सकती है या फिर वजह कुछ और भी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं से क्या संपर्क में नहीं है? क्योंकि तमाम हमने जो है वो टूट कांग्रेस में देखी है, हर तरीके से देखी है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह रह रही है? नेता जब भी बीजेपी में आकर शामिल होते हैं तो वो पार्टी से नाराजगी बता देते हैं, वो कहते हैं कि हमें पार्टी तवज्जो नहीं दे रही है, लेकिन अक्षय कांति बम को पूरी तवज्जो यहां पर मिली है, उनको टिकट दिया गया है, वो युवा चेहरे हैं, उनको बेहतर तरीके से कुछ सोच समझकर कांग्रेस ने टिकट दिया था, बड़े नेताओं ने भरोसा जताया था। तो कहीं ना कहीं देखिए वजह जो भी हो, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। अब एक बस छोटे से आपको चीज में बता देती हूं कि दो स्थिति यहां पर हो सकती है। कांग्रेस के पास अब कोई कोई कैंडिडेट नहीं है, 21 अभी प्रत्याशी और भी मैदान में है। यहां पर अगर बीजेपी मैदान को खाली करवा देती है सूरत की तरह, तो निर्विरोध निर्वाचित सांसद बतौर शंकर लालवानी हो सकते हैं। अगर सूरत जैसी आपसे बातचीत जारी रखूंगी, अमृतांशी आपसे बातचीत जारी रखूंगी। हम अपने दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने एनडीटीवी से कुछ ही देर पहले फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसा सूरत में हुआ वैसा ही इंदौर में हुआ है। अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता। अनुमा आचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप एक बड़ा सेटबैक यहाँ पे कांग्रेस को लगा है इंदौर में। हेलो जी अनुभा आचार्य, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? आपकी आवाज आ रही है, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई। एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ पे अक्षय कांति बम के तौर पर कांग्रेस को लगा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि इस देश के लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या में बहुत सी बलियां चढ़ रही हैं। ऐसे में जो पैसे वाला हो डर न सके, उसे इस बात का दबाव डाल के कि उसकी यूनिवर्सिटी सीज कर दी जाएंगी या इस तरह का कोई चीज है, तो उससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस को ही नहीं, ये सेटबैक लोकतंत्र को लग रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज बहुत साफ कर दूं मैं कि एक नेता के जाने से मेरा वोटर कहीं नहीं गया, हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं गया, तो जो जनता है वो न्याय करेगी। जी जी अनुभा आचार्य, देखिए एक के बाद एक बड़ा सेटबैक यहाँ पे, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है, क्या आप लोगों को स्ट्रैटेजी का आइडिया नहीं लगता है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो है कांग्रेस के नेता छिटक रहे हैं, और वो भी आज के दिन एक बिल्कुल एंड मोमेंट पर? मैं ऐसा मानती हूँ कि कांग्रेस जा जरूर तो अनुमा आचार्य नेता एमपी कांग्रेस जो कि साफ कह रहे हैं कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये खतरा कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये खतरा लोकतंत्र के लिए है, ये सेटबैक लोकतंत्र के लिए है। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग बेशक इधर उधर चले जाए, लेकिन पार्टी का वोट कहीं नहीं गया है। तो पार्टी चाहे जरूर ये कहती रहे ऊपरी तौर पर कि कोई फर्क नहीं पड़ता है पार्टी को अगर छोड़कर उसके नेता जा रहे हैं, लेकिन असल में पार्टी को कितना फर्क पड़ता है ये जमीनी तौर पर आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। बीजेपी की न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी एनडीटीवी से फोन पर बातचीत की, इस दौरान क्या कहा उन्होंने आइए सुनते हैं। नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे हैं और
नरोत्तम मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत कृपा आपकी। जी आधिकारिक ज्वाइनिंग हो गई सर? अभी आधिकारिक नहीं हुई है जी, थोड़ा इंतजार करें। जी क्योंकि सर देखिए, विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि विंग कमांडर अनुभा आचार्य अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका यह कहना है कि एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, जो सूरत में किया था उसी वाक्य को यहाँ पे दोहराया गया है। अरे भाई सूरत तो इसमें अंतर है, वहां पर रिजेक्ट हुआ था या वापिस लिया है? आप कैंडिडेट ने वापिस लिया है, हमने वापिस थोड़ी लिया है उसका फॉर्म, आपके एनडीटीवी पे दिख रहा है, हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि वो फॉर्म वापिस लेने जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। भयभीत नजर आ रहे हैं क्या? मुस्कुराता हुआ व्यक्ति भयभीत होता है क्या? और कांग्रेस ऐसे ही कहती रहे तो क्या बुराई है? अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का गृह नगर है इंदौर, और इंदौर में ही कांग्रेस प्रत्याशी विहीन हो गई। पहले खुजराव इनने छोड़ी थी, अक्षय बम ने कांग्रेस छोड़ दी। ये मोदी जी के विकास से प्रभावित होके आ रहे, मोदी जी के राष्ट्रवाद से, राष्ट्र की धारा से प्रभावित होके लोग आ रहे। लेकिन सर टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ना, इसमें टाइमिंग का क्या संबंध है? जी क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसी समय में छिंदवाड़ा से लेकर इंदौर में, हाँ जी, जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो यही कह रही कि प्रेशराइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इसी के चलते वो लोग कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तीन महीने, एक मिनट मैडम जी, बहन जी एक मिनट तो सुनिए। हेलो जी सर, हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी की तरफ आप से मेरी तो सुन लीजिए पहले पूरी बात। जी जी सुप्रभात, बहुत बहुत मैं ये कह रहा था पिछले तीन महीने से लगातार केंद्रीय मंत्री पूर्व से लेके सिटिंग विधायक, सिटिंग महापौर तक ने करी है, अगर दबाए जा रहे थे ये संख्या लाख के ऊपर पहुंच गई है, छोटे से छोटे मिला के बड़े से बड़े मिला के। अगर किसी के ऊपर दबाव डाल के ले जाया जा रहा है तो मीडिया का माहौल खोया हुआ है, कोई तो आगे मीडिया के सामने बोलता है इतने में से कि फलाने को दबाव डाल के लिया। अक्षय बम के पास में, अक्षय बम आए ना मेदोला जी के पास, उनकी बातचीत हुई ना मेदोला जी साथ में, जैसा आप बता रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आप इस तरह से अपनी अकर्मण्यता जो कांग्रेस छुपा रही है, अच्छा है छुपाती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको रोज एक ना एक खबर ऐसी देंगे। तो अक्षय कांति बम ने एक तरीके से बम फोड़ा है कांग्रेस पर नामांकन के दिन, जो नामांकन का आखिरी दिन है, नामांकन अपना वापस लिया इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया। साथ ही कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है जो पार्टी के साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इससे कितना बड़ा फर्क आने वाले वक्त में पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो इंदौर से में कांग्रेस पर एक बड़ा झटका लगा है, अक्षय कांति बम ने बीजेपी में एंट्री कर ली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले कांग्रेस को कारोकान खबर तक लगती, उससे पहले ही ये पता भी नहीं चला और अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इजहार खान हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। इजहार, देखिए अभी तक जो भी कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, जिनकी प्रतिक्रिया आई है, साफ साफ यही कह रहे हैं कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी का वोट कहीं नहीं गया, चाहे पार्टी को छोड़कर जो पार्टी के नेता है वो इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में अब्बास हफीज हैं जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अब्बास जी, अभी जिस तरह से अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, आपके सारे नेता ये बयान दे रहे हैं कि इधर उधर जाते रहते हैं नेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पहला जो फर्क पड़ रहा है वो जनता के मस्तिष्क पर पड़ रहा है। आज जनता देख रही है कि ये 400 पार के नारे की हवा हवाई थी सिर्फ, बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए मजबूर है प्रत्याशियों के नाम वापस करवाने के लिए, दबाव बनाया जा रहा है कि जनता इसको देख के समझती नहीं है क्या हो रहा है,
अगर बीजेपी जीत रही होती तो भारतीय जनता पार्टी फिर बहुत ही आसानी से चुनाव होने देती, लेकिन चुनाव ही खत्म कराना चाह रही है बीजेपी। तो ये अनैतिक रास्ते हैं जिसमें दबाव बनाया जाता है प्रत्याशी पे, नेता को जेल भेजने का डर दिखाया जा रहा है, उसको केसेस लगा के और उसको मजबूर किया जा रहा है कि वो या तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, यहाँ अठावले जी ने कहा ही था कि जेल भी जा सकते हैं बीजेपी भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब दिख रही हैं कि वाकई में बीजेपी का क्या आज सोच है, क्या विचार है। जनता गुस्से में है, जनता नाराज़ है, जनता जवाब देगी। और भी प्रत्याशी हैं वहाँ पे, देखेंगे क्या होगा। और जो दूसरे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो भी अपना बयान देने लगे हैं। ग्वालियर के प्रत्याशी हैं, उनका एक बयान सामने आया, वो कह रहे हैं अभी और भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो मैदान छोड़ सकते हैं। देखिए, मतलब बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने का और ये समझ लें सामूहिक हत्या करने का मन बना लिया है। सरकार उनकी है, केंद्र में एजेंसीज उनके हिसाब से काम करती हैं, मध्य प्रदेश में सरकार उनकी है। अगर ये ही इरादा है बीजेपी का कि कैसे भी सरकार को गिराया जाए, बचाया जाए और बचाने के लिए लोकतंत्र को शर्मसार कराया जाए, तो फिर बीजेपी कुछ भी कर सकती है। और ये एक बहुत गहरी साजिश है बीजेपी की, जो साफ तौर पर दिख रही है कि जनता जवाब देगी, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारे प्रत्याशी हमारे साथ हैं, लेकिन जिनको आप डराने में सफल हो गए तो शायद आप एक दो सीट पर ऐसा कुछ कर सकते हो, लेकिन इसका नुकसान आपको उन सीट्स पे होगा जो सीट्स आप जीतने वाले थे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस नेता हैं अब्बास हफीज, उनका कहना है कि जनता सब देख रही है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों को डराने का, धमकाने का प्रयास कर रही है, उनका नाम वापस कराने का प्रयास कर रही है, उसको जनता